एक बार उमर अब्दुल्ला जी को सुन लेते हैं, क्या कह रहे हैं भावी मुख्यमंत्री बताया जा रहा है। उनको तंजीम को पसंद किया है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को, और जो थोड़ी बहुत कमी रह गई थी वो हमारे अलायंस के पार्टनरों ने पूरी की। अब फिलहाल तो इस मौके पे मैं सिर्फ तमाम वोटरों का शुक्रिया करना चाहूँगा जिन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया और उम्मीदवारों को कामयाब किया। लेकिन क्योंकि मैं गांदरबल की सरजमीन पर खड़ा हूँ, मैं यहाँ से गांदरबल के एक एक वोटर का शुक्रिया करना चाहता हूँ, उनका भी जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया, लेकिन खासकर उनका जिन्होंने मुझे कामयाब करके दोबारा यहाँ 5 साल गांदरबल के लोगों का एज MLA खिदमत करने का जो मौका दिया है। मैंने गांदरबल के लोगों को पहले ही कहा था कि इन्हें एक दिन मेहनत करनी होगी, इन्होंने मेहनत की, वोट डाले, मुझे कामयाब किया। अब इंशाल्लाह अगले 5 साल के लिए मैं मेहनत करके गांदरबल की खिदमत करूंगा। करेंगे बडगाम या गांदरबल, क्योंकि गांदरबल आपका बेस्टन रहा है। व्हाट विल बी योर ऑप्शन? सर्टिफिकेट हाथ में लिए हुए अभी 5 मिनट भी नहीं हुए। मुझे साथियों के साथ बैठ के थोड़ा सा इस जीत का मजा लेने दीजिए, उसके बाद हम ये जो सवाल है इनके जवाब बाद में देंगे ना। अभी फिलहाल इस चीज पे मैं बात नहीं करूंगा। हमने लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग बुलानी है, लेजिस्लेटिव पार्टी का लीडर चुनना है, उसके बाद अलायंस के साथ बैठ के अलायंस का लीडर चुनना है। अलायंस का लीडर चुनने के बाद वी हैव टू स्टेक आवर क्लेम फॉर गवर्नमेंट। So there are a lot of important things that need to be decided over the next few days. So let us decide those other things, like which seat I will continue to represent is something I will decide in a few days. So the mandate that has been given to you by people, what is this?